and internationally for your service. उन्होंने तो बड़े बड़े कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया, तो दुनिया जानती है, लेकिन ये परिवार कैसा, वो कैसे थे, वो बहुत मतलब उनसे काफ़ी बात हुई है। उन्होंने कहा किशोरदा के बारे में भी, बच्चा था लेकिन ऑब्जर्व करता रहता था, ये उन्होंने बताया था। और सबसे बड़ी बात अभी देखा ना किस तरह से, मतलब ये परिवार जो है मैके से भी ज़्यादा प्यार देते हैं, ससुराल कभी नहीं लगा, बहुत अच्छा। और हम लोग वॉक करते थे, उनके पिताजी भी आते थे, और एस मुखर्जी साहब को तो जितना रिस्पेक्ट दिया क्या कम ही है। ये बहुत अच्छा लिखा ना मिडास मुखर्जी, हाँ टच करके उसको बोलते पारस, पारस जी बिल्कुल सही मानों में। करीब करीब स्कूल से ही जॉय मुखर्जी, फिर लव इन शिमला, दिल देखे देखो, बहुत सारी फिल्में देखी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फिर रौनक मुखर्जी जो है उनका भी म्यूजिक मुझे अच्छा लगा था, वो पहले जिधर भी मैं देखूँ, और शुरू से स्कूल डेज से मैंने देखी फिल्म। अभी एक वो बहुत अच्छा है, एक बार मुस्कुरा दो, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, न बुझते दिए को याद करना, तू औरों की क्यों हो गई। देखा ना मैं कैसे ज़्यादा प्यार मिलता है। यू नो एक्चुअली मैं लिटरली आज सुबह तक बॉम्बे में नहीं था बिकॉज ऑफ वर्क, हमारी फिल्म की वजह से। बट ये एक्चुअली हमारी फैमिली के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है, इसीलिए आई एक्चुअली फिनिश माई वर्क एंड कम बैक ओनली फॉर दिस फंक्शन। सो एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट शाम है हम लोग के लाइफ में। एंड माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे जब मैं काफ़ी छोटा था, बट ऑब्वियसली आई हैव ग्रोन अप hearing about his stories and the things that he achieved and in the shadow of his achievements. So it will be very nice, today's function. It's a very big day for the family. You know, मैं आपसे सच सच कहूँगा, मैंने उनकी एक्चुअली इतनी फिल्में देखी नहीं है। मुझे उनकी उनका जो इम्पैक्ट रहा हमारी इंडस्ट्री में उसके बारे में पता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सब फिल्में देखी नहीं है उनकी। सो या सो वन डे जब लाइफ में वक्त मिलेगा एंड आई हैव सीन एवरीथिंग देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। आपकी फिल्म का स्टेटस जानना चाहेंगे। हमारी फिल्म का हमने देखा कि आपको टाइटल कैसे लगा फिल्म का, ब्रह्मास्त्र अच्छा लगा आपको? हमने इंस्टाग्राम पे हम ढेरों कई सारे आलिया को इवन हम देख रहे हैं कि वो रीड करते हुए कि ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्टिंग रीड कर रही है, मतलब सभी को आपने उसमें आप बताइए। सो मैं बस ये कह सकता हूँ कि बहुत टाइम से, बहुत वक्त से मैं एटलीस्ट और मेरी टीम इस फिल्म पे बहुत मतलब बहुत काम कर रहे हैं। यू नो इस फिल्म पे बहुत लंबा प्री प्रोडक्शन पीरियड रहा है। जब होपफुली जब ये फिल्म बन के आएगी और आप वो विजुअल्स देखेंगे और इस फिल्म की कहानी समझेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि इतना टाइम क्यों लग रहा है हमें इस फिल्म को बनाने में। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये सब प्री प्रोडक्शन के बारे में, इस सब का मीनिंग क्या है बेसिकली। बट मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एंड आई होप कि यू नो हमारे सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क फिल्म बन सके। तो हम ऐसा माने कि ये फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री में एक अलग ही बदलाव आएगा, जैसे हमने देखा बाहुबली जब आई, इस तरह का हम माने? बिल्कुल वही ख्वाहिश है, दैट इज़ द ड्रीम, दैट इज़ द गोल। बाहुबली इज़ द स्टैंडर्ड, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक ये फिल्म बनी नहीं है और मैं बस यू नो ये फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द होप, आई रियली होप कि फिल्म इतनी अच्छी बन के निकले, बट वो आप दो साल के बाद जब फिल्म बनेगी तो आप कहना, यू नो वो मैं कैसे कहूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये पहली बार है इस तरह का एंड जो नई जनरेशन को पता नहीं है शायद कि किस तरह से एक आदमी ने दो स्टूडियोज एक के बाद एक खड़े किए, सुपर हिट फिल्में बनाई
एस मुखर्जी जी, और किस तरह से उनका वो हिट का दौर था, कितना बड़ा दौर था, ये आज इस शो के थ्रू उनको देखने को मिलेगा. एंड इट्स अ रीविजिटिंग अ न्यू एक्सपोजर फॉर द न्यू ऑडियंस. ढेरों सारी फिल्में हैं उनकी, तो कोई ऐसी शेयर करना चाहिए कि ये फिल्म आपने उनकी पर्टिकुलर देखी हो? और मैंने सारी देखी, मैंने कंगन, बंधन, दिल दे के देखो, लव इन शिमला, all the films I've seen, and they're all really beautiful films. So, main bahut ek aisa producer hai jiska main fan hu. Kyunki sir aap khud ek director hain, to us time ka jo direction ka jo aapne time dekha tha, aur aapka jo direction hai, kya kuch different aap dekhte hain aap ya kyunki I think har era mein jo jis kisam ki filmein banti hain wo kis tarah ka audience hai us pe ek ek connection rehta hai. There's a give and take. So every generation has got its own kind of cinema techniques, filmmaking or story narration ki styles hoti hain, wo har decade ke alag alag hoti hain. To aisa koi comparison aap nahi kar sakte, har decade mein apna ek daur hota hai. Thank you. Of course I am very proud of it. I think bahut hi जो लोग करते हैं उनकी ज़िंदगी के ज़िंदगी में उनको सेलिब्रेट करना चाहिए. और आई थिंक माई दादा हैज़ डन सम अमेजिंग थिंग्स इन हिज लाइफ. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ किया है कि उनकी ज़िंदगी छोटी पड़ गई उसके लिए. तो लेकिन आई थिंक दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर. आई एम ग्लैड दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस. आई ब्रॉट माई सन अलॉन्ग, मैं अपने बेटे को भी लेके आई हूँ क्योंकि मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि उनकी हिस्ट्री क्या है. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी हियर. ढेरों सारी फिल्में भी हैं उनकी हम देख रहे हैं यहाँ पे. ऐसी कोई मेमोरी है या ऐसी उनकी कोई फेवरेट फिल्म जो आप बार बार देखती हैं फ्री होती, अरे ये वाली तो मतलब दिल को छू जाती. एक्चुअली मैं बहुत ही बहुत छोटी थी तभी. मैं बहुत ही छोटी थी जब तभी फिल्म समझती नहीं थी, अब समझती ज्यादा. काजल बहुत छोटी थी, कभी फिल्म कभी हीरोइन बनेगी नहीं बनेगी तब बहुत पता भी नहीं था. मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमेशा सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद टोपी पहन के. एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट हिम, आई थिंक आई लव्ड हिज स्मेल. उनका एक पर्टिकुलर परफ्यूम हुआ करता था जो मुझे आज तक याद है एक्चुअली. सो आई रिमेम्बर दैट वेरी वेरी वेल. पर हर किसी को पसंद साल की सुपरहिट फिल्म है जी. आप बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह की आपको लगी है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे पता नहीं है. बॉक्स ऑफिस ही गोलमाल है. मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी पिक्चर. और टचवुड और भी चलेगी. टचवुड, थैंक यू.